त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। सतगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सज्जनों, ये महाराज जी की कृपा ही है कि हमें सत्संग प्राप्त हो पाता है, हम प्रेरणा ले पाते हैं जिससे कि हम इस मार्ग पर सफल हो सकें। आप देखें, संसार में भी एक व्यक्ति जब चलता है तो सफल होने के लिए ही चलता है। ठीक इसी प्रकार से एक साधक भी जब इस मार्ग पर चलता है तो सफल होने के लिए ही चलता है। और शायद इसीलिए हम एक लंबी श्रृंखला से, एक लंबे संघर्ष से गुजरना स्वीकार भी करते हैं, लेकिन इस श्रृंखला से गुजरते हुए, इन संघर्षों को करते हुए हमारे साथ क्या हुआ, इससे कहीं ज़्यादा महत्व इस बात का हुआ करता है कि हमारी उन संघर्षों में प्रतिक्रिया क्या हो रही। अ फिलोसोफर सेज दैट अ मैंस कैरेक्टर इज नॉट जज्ड बाय हिज एक्शंस बट बाय हिज रिएक्शंस। संसार में भी आपके आज का डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ठीक इसी प्रकार से एक साधक आज जैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, निश्चित ही उसके अनुसार ही उसका आध्यात्मिक कल निश्चित होता है, निर्धारित किया जाता है। और ये केवल हमारे साथ नहीं होता, हर युग में हर भक्त के साथ यही हुआ करता है। एक साधक भक्त केवल अपनी प्रतिक्रिया के कारण ही कहलाता है और बनता भी है। हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट इन अ सिचुएशन, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इस बात का प्रमाण, इस बात का उदाहरण कि प्रतिक्रिया का महत्व कितना होता है, यदि हमें जानना है तो हम महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों से ले सकते हैं। यदि आप इन दोनों ग्रंथों को देखें, महाभारत और रामायण, दोनों की पृष्ठभूमि में पारिवारिक कलह है, संघर्ष है, राज्य को लेकर, सिंहासन को लेकर, अधिकार को लेकर, सत्ता को लेकर। लेकिन दोनों में भिन्नता क्या है कि त्रेता का वह पारिवारिक कलह महाभारत नहीं बना। कारण, क्योंकि त्रेता में भरत की प्रतिक्रिया दुर्योधन की प्रतिक्रिया से बहुत भिन्न रही थी। इतनी हैरानी वाली बात है कि केवल भरत की प्रतिक्रिया के कारण पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है, पूरी की पूरी कहानी ही पलट जाती है। ये भरत की प्रतिक्रिया ही थी जिसके कारण से कैकेयी और मंथरा की सारी राजनीतिक चाल ऐसे ध्वस्त हो गई जैसे एक ऊंची बनी बिल्डिंग की आप पहली इमारत को खींच लें। ये भरत की प्रतिक्रिया ही थी जिसकी वजह से जो त्याग की कहानी हम सुनते हैं वो भूख की कहानी बन सकती थी। ये भरत की प्रतिक्रिया ही थी सज्जनों जो मैं मेरे की कहानी बन सकती थी, वो तुम और तुम्हारे की कहानी बन गई। और सबसे बड़ी बात, क्यों भरत का यह त्याग हमारे इतिहास में और भी उभर कर आता है, क्यों ये भरत का यह त्याग हमें और भी प्रेरित कर जाता है, क्योंकि जिन सिचुएशंस में उन्होंने वो त्याग किया वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण, बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर थी। सबसे पहली सिचुएशन यह थी कि बहुत बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों तो आपको चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और आप छोड़ भी देते हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन भरत का यह त्याग केवल परिस्थिति की प्रतिकूलता के कारण नहीं था, वो चाहते तो बहुत आसानी से राज्य को स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि ना ही राज्य के मांगने में, ना ही श्री राम के वन को जाने में, और ना ही दशरथ के देहांत में, महाराज दशरथ की मृत्यु में, किसी में भी उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। वो चाहते बहुत आसानी से राज्य को स्वीकार कर सकते थे क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल ही थीं, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के अनुकूल होने के बावजूद भी वो राज्य का त्याग करते हैं श्री राम के लिए। दूसरी सिचुएशन, कभी भी श्री राम ने
भरत जी को ये त्याग करने के लिए नहीं कहा था। कभी भी यह बात नहीं कही थी कि एक दिन ऐसा आएगा भरत जब तुम्हें मुझ में और राज्य में एक का चुनाव करना पड़ेगा, तब तुम मुझे चुनना। भरत को ये बात कभी भी श्री राम ने नहीं कही थी। बिना कहे भरत ये त्याग करते हैं। तीसरी बात, श्री राम के लिए भरत ने ये त्याग श्री राम की अनुपस्थिति में किया था। श्री राम वहाँ पर नहीं थे। समाज में देखा देखी, समाज में शर्मो शर्मी में, टू फिट इन दिस सोसाइटी, हम बहुत बार त्याग कर देते हैं। लेकिन भरत का ये त्याग इसीलिए श्री राम के लिए उपहार बन गया। क्यों? क्योंकि श्री राम की अनुपस्थिति में भरत ने वो त्याग किया था। सजनों, एक गुरु के लिए इससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता जब शिष्य बिना कहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल हों या अनुकूल हों, गुरु के लिए वह कर जाए जो गुरु ने कहा हो, शिद्दत से वो बनना चाहे जो गुरु ने बनाना चाहा हो, अपने आप को वैसा ढाल ले जैसे गुरु ने ढालना चाहा हो। इससे बड़ा उपहार एक शिष्य गुरु को दे नहीं सकता। यदि देखें तो आज हम भी ऐसी ही एक भेंट को एक उपहार की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी हम पिछले 7 सालों से कर रहे हैं और तब तक चलती रहेगी जब तक महर्षि समाधि से वापस नहीं आ जाते। इस उपहार में क्या डाल रहे हैं हम? ये कैसा उपहार है? इस उपहार की पैकेजिंग है हमारा यह तन। और इस उपहार में महर्षि को क्या प्राप्त होगा? महर्षि को प्राप्त होगा हमारा हर विचार जो हम आज सोच रहे हैं, हमारा हर एक कर्म जिसमें हम संलग्न हैं, हमारे मुख से निकला हुआ हर शब्द जिसको हम बोल रहे हैं। इस उपहार में हमारी सहनशीलता होगी तो हमारा रोष भी महाराज जी को मिलेगा। इस उपहार में हमारा सत्य होगा तो इस उपहार से ही महाराज जी को हमारा दंभ, हमारा छल और कपट भी मिलेगा। इस उपहार में हर एक कर्म, वचन, हर चीज़ महाराज जी को मिलेगी जो हम आज इस उपहार में डाल रहे हैं। आप बाहर किसी को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो झट से मार्केट से खरीद के लाते हैं और उसको दे देते हैं। लेकिन गुरु को देने वाली ये भेंट बहुत भिन्न होगी, क्योंकि सालों की जमा पूंजी इसमें समाहित है, इसमें समाहित होगी। सचिनों, आज हमारी सिचुएशन मोर और लेस वैसी ही है जैसे आपने बहुत बार अपने स्कूल में एक्सपीरियंस की होगी। बहुत बार टीचर पढ़ाते पढ़ाते एकदम से क्लास से बाहर निकल जाते हैं, इतनी देर में कि बच्चे ये समझ आएं कि टीचर कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर में वापस आएंगे और किस कार्य से जा रहे हैं। इतनी ही देर में टीचर आंखों से ओझल हो जाते हैं केवल ये कहते हुए कि आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, मैं अभी वापस आया। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे साथ भी हुई। महाराज जी भी हमें बहुत सी शिक्षाएं दे रहे थे, इस मार्ग पे चलने की, इस मार्ग पे कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी शिक्षाएं महाराज जी हमें समझा रहे थे, हमें बता रहे थे। लेकिन अचानक से महाराज जी समाधि में चले जाते हैं। हमें भी नहीं पता कि महाराज जी क्यों गए और महाराज जी कब आएंगे। ठीक टीचर की ही तरह महाराज जी भी सुनिश्चित करके गए अनुभवों के माध्यम से, डायरेक्ट वाक्यों के माध्यम से कि मैं वापस आऊँगा, आई विल रिटर्न फ्रॉम समाधि। ऐसे में जब ऐसी सिचुएशन होती है क्लास में तो क्या होता है कि हर एक बच्चा शुरू में तो बड़ी शांति से बैठा रहता है, थोड़ी देर तो बैठता है, लेकिन धीरे धीरे जितना जितना समय आगे बढ़ता है वो अपने रियल बिहेवियर पर उतर आता है, जो उसकी वास्तविकता है उस पर उतर आता है। ठीक इसी प्रकार से जब महाराज जी समाधि में गए तो हमारे अंदर की ठगी छिपी प्रवृत्तियाँ, गुण अवगुण सब कुछ प्रकट होने लगे, हम उनके अनुसार ही व्यवहार करने लगे। ऐसे में उत्तम व्यवहार क्या है, हमें क्या करना चाहिए, एक शिष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए हम इस उदाहरण की और गहराई में जाएंगे। इस गहराई में जाते हुए हम कुछ प्रतीकों का प्रयोग करेंगे, जिसमें टीचर का अर्थ है गुरु, जिसमें स्टूडेंट का अर्थ है साधक, जिसमें
परिधि अर्थात क्लास का अर्थ है परिधि, जो गुरु ने आपके लिए डिसाइड की है, जो गुरु ने आपके लिए निर्धारित की है। परिधि आज्ञा की, परिधि नियम की, परिधि संस्थान की। अब क्या होता है कि जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता है, हर एक बच्चा अपने अपने अनुसार व्यवहार करता है। उन स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर रहता है, कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसके आधार पे हम तीन ग्रेड्स बनाते हैं, ग्रेड सी, ग्रेड बी और ग्रेड ए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड सी स्टूडेंट्स की। ग्रेड सी स्टूडेंट्स वह स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर के बाहर जाते ही जिनका ध्यान भी क्लास से बाहर चला जाता है, क्योंकि जहाँ मन है वहाँ गति होती है। तो उनका ध्यान, उनका मन क्लास में होने वाली गतिविधियों से कहीं ज़्यादा क्लास से बाहर होने वाली गतिविधियों में हुआ करता है। जैसे गति वैसा मन, और जहाँ पे मन जाता है वहीं पर वहीं की चीज़ें अच्छी भी लगने लग जाती हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे इनके मन में असहजता पैदा हो जाती है, जो क्लास में लगाए गए नियम हैं उसमें बंध नहीं पाते। क्लास में लगाए गए नियम माने कि आपको जो पोजीशन दी गई है, जो सीट अलॉट है, आप उसमें बैठे रहिए। आपको जो काम दिया गया है आप उसको करते रहिए। क्लास में जो शांति बनी हुई है आप उसमें योगदान दीजिए। ये सारे नियम जब लगाए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब धैर्य कम होने लगता है तो इन नियमों से अपना सामंजस्य बिठा नहीं पाते हैं, और जैसे ही धैर्य टूटता है वैसे ही वह क्लास से बाहर चले जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे शिष्यों के साथ क्या होता है, इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं। और वो कहते हैं, मित्र करें सत रिपुकै करनी, ता कह बिबुद नदी बहतरनी, सब जग ताही अनल हूँ ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो रघुबीर के विमुख हो जाता है, जो गुरु का त्याग कर देता है, जो गुरु से विमुख हो जाता है, उसकी स्थिति क्या होती है। गोस्वामी जी बताते हैं कि मित्र भी सैकड़ों शत्रुओं के समान व्यवहार करते हैं। समस्त जो धरा है वो अनल के मानंद हो जाती है, अग्नि के मानंद हो जाती है। आपकी माता आपके लिए मृत्यु समान हो जाती है, आपके पिता यमराज के समान हो जाते हैं, गंगा जैसी पवित्र नदी भी वैतरण्य के समान व्यवहार करने लगती है। सजनों, इस मार्ग पर चलते हुए बहुत सारे संघर्ष को एक शिष्य सहता है, बहुत से नियमों में बंधना उसे पड़ता ही है, क्योंकि ये मार्ग बंधने का है, ये मार्ग बदलने का है, ये मार्ग तलवार की धार है, तो चुभन तो होगी ही। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि कहीं इस चुभन को सहते सहते कभी हमारे मन में भी ये विचार तो नहीं आ जाता कि गुरु के मार्ग पर इतने समय से चलते रहे हैं लेकिन मिला क्या, गुरु के नियमों में इतने समय से बंधे तो हुए हैं लेकिन हुआ क्या। क्या हमारे मन में भी ऐसे विचार तो नहीं आते कि शायद जो गुरु की परिधि से बाहर हैं वो ज़्यादा सुखी हैं, हम कम सुखी हैं। यदि ऐसे विचार आ रहे हैं तो कहीं हम ऐसी नदी में तो परिवर्तित नहीं हो रहे, वो नदी जो ऊपर तक राग और द्वेष से भरी हुई है, लबालब भरी हुई है, और परिस्थिति का एक झटका लगा और वो नदी जैसे अपने सारे बांधों को तोड़कर बह जाती है, वैसे ही कहीं हम भी गुरु की उस परिधि से बाहर तो नहीं निकल जाएंगे। यदि ऐसे कोई भी विचार हम संजोए हुए हैं तो हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये चिंतन का विषय है। दूसरी कैटेगरी, इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की हुआ करती है जो क्लास के अंदर बैठे हुए होते हैं। वो बैठे तो अंदर हैं लेकिन उनके व्यवहार समान नहीं हैं, अलग अलग व्यवहार हैं, इसलिए उनके कर्म भी अलग अलग हैं। आइए समझते हैं कि इन स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी कैसी और मानसिकता कैसी होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इस ग्रेड बी कैटेगरी के जो टीचर के जाते ही उपद्रव शैतानी करना शुरू कर देते हैं, और केवल खुद ही शैतानी नहीं करते बल्कि औरों को भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे शांति भंग हो।
ऐसे ही मानसिकता के कुछ शिष्य भी हुआ करते हैं जो गुरु की अनुपस्थिति में ऐसे प्रश्नों को, ऐसे कार्यों को, ऐसी बातों को करते हैं जिससे मतभेद मनभेद दोनों ही उपजते हैं। उनकी ऊर्जा केवल इसमें जाती है कि किस प्रकार से जो सौहार्द बना हुआ है, जो एकता बनी हुई है, जो संगठन बना हुआ है वो टूटे। इसी कैटेगरी में, ग्रेड बी स्टूडेंट्स की कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टीचर के जाते ही खाने पीने में मस्त हो जाते हैं, उनके टिफिन्स निकल जाते हैं, उनके टिफिन्स एक्सचेंज होने लग जाते हैं और खाने पीने में मस्त हो जाते हैं। ये उन शिष्यों की तरह हुआ करते हैं जो गुरु की अनुपस्थिति में जिनका जीवन का ध्येय खाना पीना सोना घूमने तक ही सीमित रहता है। इनकी सोच, इनका कार्यभार, इनका अस्तित्व केवल इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। तीसरे प्रकार, इन्हीं इसी कैटेगरी में एक और प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं जो गुरु के जाते ही बहुत सारे मनोरंजन में व्यस्त हो जाते हैं, जिनके मोबाइल्स निकल जाते हैं, जिनके गैजेट्स निकल जाते हैं, इंटरनेट ऑन हो जाता है, मैसेजेस एक्सचेंज होने लग जाते हैं, इनका मनोरंजन में इतना मन लग जाता है कि बाकी सभी चीज़ों को सुध-बुध भूल ही जाते हैं। ऐसे ही मानसिकता वाले कुछ शिष्य भी हुआ करते हैं जो बिना किसी उद्देश्य के, जिनका पूरा पूरा दिन इंटरनेट पे, पूरा दिन सोशल मीडिया पे, पूरा दिन इन सब चीज़ों में व्यतीत होने लगता है। इसी कैटेगरी बी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, जैसे ही टीचर बाहर जाता है वो अपने पुराने झगड़े निकाल कर बैठ जाते हैं। ये तेरी सीट, ये मेरी सीट, ये मेरे बुक, ये तेरी बुक, ऐसे अनेकों प्रकार की जो दबे कुचले द्वेष थे वो टीचर के जाते ही उभर जाते हैं। ऐसी ही मानसिकता, द्वेषपूर्ण मानसिकता वाले कुछ शिष्य भी हुआ करते हैं जो गुरु की अनुपस्थिति में उन सारे झगड़ों को उखाड़ते हैं और खुद तो अशांत हैं ही हैं, बाकी सभी क्लास में रहने वाले स्टूडेंट्स को भी, शिष्यों को भी परेशान करते हैं। इनका देह, इनकी ऊर्जा, इनका जो फोकस है वो इस पे नहीं जाता कि हम कैसे ऊपर उठें, बल्कि इस पे जाता है कि दूसरा व्यक्ति कैसे नीचे गिराया जाए। सज्जनों, इन सभी मानसिकताओं के लोग जो ग्रेड बी कैटेगरी में आते हैं, आज तो ये परिधि के अंदर बैठे हैं, क्लास के अंदर बैठे हैं, अपने अपने व्यवहार, अपनी अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि समय रहते इन प्रवृत्तियों पे बांध नहीं बांधा जाता, इनको कंट्रोल नहीं किया जाता, इन पर मेहनत नहीं की जाती, तो ये निश्चित है कि एक दिन वो गुरु की परिधि से बाहर निकल जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गुरु इतनी आसानी से इनको छोड़ देता है। गुरु की बड़ी मेहनत होती है हर एक शिष्य पे, वो बार बार मेहनत, वो बार बार चेताता है इन शिष्यों को, ऐसी परिस्थितियां बनाता है जहां पर उनकी ये कमियां उभर कर आती हैं उनके सामने। यदि वो ध्यान दें तो वो इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं। चाहे कितनी भी त्रुटियां हो, गुरु कभी भी आशा नहीं छोड़ता है। हम सब जानते हैं सज्जनों, ऐसा कोई भी शिष्य नहीं है जो ये कह सके कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हुई इस मार्ग पर। ऐसा कोई शिष्य नहीं है जो ये कह सके कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हो रही है इस मार्ग पर। लेकिन गुरु फिर भी मौके देता है, वो फिर भी हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट हुआ करती है। गुरु भी आपको तभी तक मदद कर सकता है जब तक आप स्वयं ये बात स्वीकार तो करें कि मुझ में कोई कमी है। जो प्रयासरत है वही शिष्य है, जो करता रहता है, जो मेहनत करता है, जो स्वयं का आंकलन करता है वही शिष्य है। इसीलिए कहा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद की मदद करना जानते हैं, गुरु भी उनकी ही मदद कर सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक शिष्य केवल शिष्य भर दिखना चाहता है, वो इसी में खुश है और इसी की आड़ में उसके अंदर कोई प्रयास नहीं होता खुद को बदलने का, कोई मंशा नहीं होती, कोई दुख नहीं होता कि मैं ऐसा क्यों हूँ और मैं वैसा क्यों नहीं हूँ जैसा गुरु बनाना चाहता है। उनके अंदर ना ही कोई ग्लानि होती है, उनके अंदर ना ही कोई असहजता होती है, ना ही चिंतन होता है और ना ही किसी प्रकार की चिंता होती है। जीवन में बस एक शिष्य बने रहना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। सज्जनों,
गुरु भी ऐसे शिष्यों की बहुत लंबे समय तक मदद नहीं कर पाता है। इसीलिए यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई विचार है, यदि हम भी बाहर से केवल शांत दिखते हैं लेकिन हमारे मन में विषयों का चिंतन है, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसः स्मरन् इन्द्रियार्थानि विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, कि जो शिष्य जो साधक केवल इंद्रियों का दमन कर विषयों का चिंतन मन से हमेशा करता रहता है, वो मिथ्याचारी है, मूढ़ है, झूठा है, दम्भी है। यदि ऐसी मानसिकता ऐसी प्रवृत्ति हमारी है कि हम बाहर से ठीक दिखते हैं, बाहर से शिष्य दिख रहे हैं लेकिन मन ही मन खूब विषयों का चिंतन है, निर्बाध गति से बहते चले जा रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि गुरु भी हमारी बहुत समय तक मदद नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर भी ऐसा कोई विचार चलता है, ऐसी कोई बातें हम करते हैं जिससे संगठन बने नहीं बल्कि संगठन बिखरे, तो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये गंभीरता का विषय है, ये चिंतन का विषय है। आइए चलते हैं तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की तरफ। तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो टीचर के जाते ही स्वयं मोर्चा संभाल लेते हैं और तब तक अपने मोर्चे को संभाल कर रखते हैं, तब तक शांति बनाए रखते हैं जब तक टीचर वापस नहीं आ जाता। ऐसे ही कुछ शिष्य भी हुआ करते हैं जो गुरु के कहे बिना ही अपने मोर्चे को संभाल लेते हैं, जो गुरु के बिना किसी आज्ञा के ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, अपने दायित्व को समझ के, सबके विश्वास को, सबके संगठन को बनाकर चलना चाहते हैं और चलते चले जाते हैं। ऐसे में उनका केवल एक ही देह होता है कि जब तक गुरु वापस आए तब तक गुरु को ये संगठन ऐसे का ऐसा ही मिले। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। द्रौपदी, आनंद, स्वामी ब्रह्मानंद जी, सुमित्रा, उर्मिला, काकभुषुंडी जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आइए हम महाभारत से एक बहुत ही सुंदर उदाहरण उठाते हैं। कहते हैं महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ नहीं हुआ था तब दोनों ही ओर के लोग अर्थात कौरव और पांडव बहुत सी सेना एकत्रित करने में लगे हुए थे। इसी के चलते जब अर्जुन श्री कृष्ण के पास सहयोग मांगने के लिए जाते हैं, ऐसे में श्री कृष्ण अर्जुन के सामने दो ऑप्शंस, दो विकल्प रखते हैं। एक कृष्ण जो निहत्ते हैं, जो युद्ध नहीं करेंगे, और दूसरे उनकी नारायणी सेना। अर्जुन बिना सोचे जब कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, उनका चयन करते हैं, तो पूरे समाज में राजनीतिक दृष्टि से इस निर्णय की बहुत प्रकार से निंदा की जाती है, भर्त्सना की जाती है। द्रौपदी ऐसे में एक उत्तम शिष्य की तरह सामने आती हैं और ना ही केवल अर्जुन को संबल देती हैं बल्कि सभी पांडवों को और सभी पक्षों को इस बात को समझाती हैं कि कैसे इतिहास में बार बार श्री कृष्ण ने किसी भी परिस्थिति के विपरीत जाकर भी पांडवों का साथ दिया है और वो सबका विश्वास फिर से श्री कृष्ण पर बनाती हैं। सज्जनों, ये शिष्य वो होते हैं जो शायद आपको नहीं दिखें, शायद वो आगे नहीं आए, आप उनके नाम भी नहीं जानते हों, वो अपने घरों में बैठे अपने घर के लोगों का विश्वास उनके अंदर उनके बीच में ऐसी चर्चा कर रहे होते हैं, गुरु की चर्चा कर रहे होते हैं और उनके विश्वास को दृढ़ कर रहे होते हैं। कोई अपने स्कूल में बैठा हुआ गुरु की चर्चा कर रहा है, कोई अपनी जॉब पे जाके चर्चा कर रहा है। ये लोग ज़रूरी नहीं है कि आपको हाइलाइटेड हों और ये आपको दिखें, लेकिन ये अपने कार्य को करते रहते हैं, अपना विश्वास भी दृढ़ करते हैं और साथ ही साथ अपने आस पास वालों के सबके विश्वास को और बनाते चले जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जितनी ज़रूरत दूसरे के विश्वास को गुरु पर बनाने की है उतनी ही ज़रूरत अपने विश्वास को बढ़ाने की भी है, क्योंकि इनको ये बात याद रहती है, खुद को निखारो, खुद को संवारो, करो साधना, ये ही समझा रहा हूँ, प्रतीक्षा के संग संग स्वनिर्माण कर लो, संदेशा ये तुम तक पहुँचा रहा हूँ। जैसे ग्रेड ए स्टूडेंट्स की एक आँख एक नज़र दरवाजे पर होती है कि कब टीचर वापस आएगा,
लेकिन उसका मन, उसका वचन, उसका कर्म उसकी कॉपी पर होता है कि जो गुरु ने पढ़ाया है, जो टीचर ने पढ़ाया है, उसकी रिविजन भी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब टीचर वापस आएंगे तो सबसे पहले तो क्लास में बनी हुई शांति को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन दूसरे ही क्षण ये भी ज़रूर पूछेंगे कि हम कहाँ थे, वैववी हम क्या पढ़ रहे थे। ऐसे में यदि स्टूडेंट्स अपने बैग्स में रखी हुई कॉपी को निकालें और अपने पेजेस को फ्लिप करें और ये देखना चाहें कि अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे, तो ऐसे में टीचर खुश नहीं होते, नाराज़ हो जाते हैं और शायद ये कह जाते हैं कि यू हैव वेस्टेड योर टाइम, तुमने अपने टाइम का, अपने समय का प्रयोग नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से ये उत्तम शिष्य दूसरों का विश्वास बनाने के साथ साथ स्वयं की भी तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब गुरु वापस आएंगे सबसे पहले तो वो देखकर खुश हो जाएंगे कि जैसे मेरे शिष्य थे, जैसे मैं छोड़कर गया था, सब वैसे ही हैं। लेकिन दूसरे ही पल गुरु ये भी ज़रूर पूछेंगे कि तुमने सेवा तो की, लेकिन क्या तुम भीतर से जुड़े, क्या मेरा तारतम्य तुमसे बना या नहीं बना, हमारा गुरु से कितना अलाइनमेंट हुआ है, ये भी अवश्य ही जांचा जाएगा। लेकिन सज्जनों, इन तीनों ही कैटेगरीज की स्टूडेंट्स, कैटेगरी सी, कैटेगरी बी और कैटेगरी ए, इन तीनों ही प्रकार की जो कैटेगरीज हैं, इनमें जो स्टूडेंट्स आते हैं, ये अपने अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं। इसमें हम जानते हैं कि सबसे सुंदर जो कैटेगरी है, जिसमें हम सब आना चाहते हैं, वो है कैटेगरी ए, उत्तम शिष्यों की कैटेगरी। लेकिन इस बात का भी एहसास हम सबको है कि इस कैटेगरी में आना कितना मुश्किल है, और अभी तक हम इस कैटेगरी में नहीं पहुंच पाए हैं, अभी तक हम उत्तम शिष्य नहीं बन पाए हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि हम ये बात सोचें कि महाराज जी जब ये कह देते हैं बहुत उम्मीदें हैं सतगुरु को, अपनी संतानों से पूर्ण करें जो दी है सेवा उसने अरमानों से, कि जो उम्मीद गुरु ने हमसे लगाई है शायद हमने वो अपने आप से कभी भी नहीं की। जब महाराज जी यह कह देते हैं कि तुम अर्जुन हो मेरे, हनुमान हो तुम, हो आँखों के तारे मेरी जान हो तुम, हमने अपने लिए शायद ये सपना नहीं देखा हो कि हम अर्जुन बनेंगे, हमने नहीं सोचा होगा कि शायद हम हनुमान बनेंगे, लेकिन गुरु ने ये आशा हमसे की है, इनको शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट भी किया है। तो क्यों ना हम एक बार ईमानदार प्रयास तो कर देखें, क्यों ना हम एक बार अपने इन विकारों से, अपनी इन आदतों से, अपनी इन प्रवृत्तियों से ऊपर उठने की कोशिश तो करें, क्यों ना हम वो कर जाएं जो शायद हमसे गुरु चाहते हैं। और सज्जनों, जो गुरु ने कार्य निर्धारित किए हैं, यदि हम आगे आकर उसको नहीं करेंगे तो ये भी निश्चित है कि कोई और उसको करेगा। कभी भी कार्य गुरु का अधूरा नहीं रहता है। हम इतिहास में झांक कर देखें, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर लक्ष्मण श्री राम के साथ में यदि वनवास जाने के लिए तैयार नहीं होते तो क्या श्री राम का कभी वनवास पूरा ही नहीं होता? नहीं, बिल्कुल होता। आपको क्या लगता है कि 18 दिन बाद जो महाभारत का युद्ध हुआ, अगर अर्जुन अपने मोह से बाहर आकर लड़ना स्वीकार नहीं करते तो क्या 18 दिन बाद अधर्म जीत जाता? नहीं। अगर भरत ये कहते कि मैं राज्य नहीं स्वीकार करूँगा, आपका ही राज्य है, तो क्या ऐसा होता कि राम राज्य की धुरी अयोध्या नहीं बनती? बिल्कुल नहीं, फिर भी बनती। हनुमान कह देते कि मैं इतना लंबा समुद्र लांघना नहीं जानता, मैंने कभी नहीं किया है, तो क्या माता सीता जीवन पर्यंत लंका में ही रहती? नहीं। विवेकानंद कह देते कि मैं अपने जीवन में केवल खुद पर फोकस करना चाहता हूँ, साधना में रत होना चाहता हूँ, मैं कार्य नहीं करना चाहता, तो क्या हमें लगता है कि विश्व में आज यूथ आइकन भारत से नहीं होता? बिल्कुल होता। क्या अगर तुलसीदास जी अपने मोह से बाहर नहीं आते तो क्या रामचरितमानस लिखी नहीं जाती? बिल्कुल लिखी जाती। ये जितने भी कार्यों का विवरण हमने अभी दिया है, ये सारे ही कार्य हूबहू होते, लेकिन बस
पात्र बदल जाते। अगर तुलसीदास जी, विवेकानंद, अर्जुन, भरत जी ये सब इन कार्य को करने के लिए मना भी कर देते, आगे नहीं भी आते, तो भी ये कार्य हूबहू होते, बस इन कार्य को करने वाले नाम बदल जाते। ठीक इसी प्रकार से आज भी और हमेशा हर काल में गुरु कभी भी कार्य के लिए शिष्य पे निर्भर नहीं होता है। वो कार्य निर्धारित कर आता है और वो बस पात्र ढूंढता है। एक नहीं सामने आएगा तो वो दूसरे पात्र को देगा और वह पात्र उस कार्य को पूर्ण करता है। लेकिन जब हमें सेवा दी जाती है, जब हमें परिस्थितियों से गुजारा जाता है, तो गुरु की जो इंटेंशन होती है, गुरु की जो मंशा होती है, वो काम कराने की नहीं होती, वो आपके विश्वास को दृढ़ करने की होती है। क्योंकि जब हम परिस्थितियों में होते हैं तो हम जान पाते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं, हमारा विश्वास कितना है। क्योंकि ये मार्ग काम करने का नहीं है, ये मार्ग विश्वास का है। यदि आपके पास विश्वास है तो आप बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से भी निकल जाएंगे। यदि केवल बाहर की तैयारी है, भीतर का विश्वास नहीं है, तो आप जीत नहीं पाएंगे, आपकी सारी तैयारियां विफल हो जाएंगी। इसका उदाहरण हम अर्जुन के जीवन से ले सकते हैं। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो 11वें अध्याय से पहले पहले श्री कृष्ण अर्जुन को 12 नामों से पुकार चुके थे। अनक, कुरुप्रवीर, कौन्तेय, पार्थ, ऐसे 12 नाम श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दे चुके थे, जिसमें से हर एक नाम एक गुण का, एक शौर्य का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि अर्जुन की तैयारी कितनी थी, वो कितने बल के साथ महाभारत युद्ध में उतरे थे। और इसी का प्रमाण हमें पहले अध्याय में भी मिलता है, जिसमें अर्जुन कहते हैं, सेन्योरु भयोर मध्य रथंग स्थापय में अचयुत, हे कृष्ण, मेरे इस रथ को आप इन दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, किस लिए मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। लेकिन केवल 8 से 9 श्लोक बाद उनको मोह हो जाता है और वो युद्ध करने के लिए अस्वीकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। श्री कृष्ण भगवान उनको 11वें अध्याय में ज्ञान देते हैं और युद्ध चलता है। 13वें दिन, जिस दिन उनको यह सूचना मिलती है कि उनके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, उनके जीवन में ये जो समाचार था ये बवंडर के रूप में आया। उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी समझ, सब कुछ शिथिल पड़ गई और वह उसी दिन ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि यदि कल शाम तक मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं अग्निशमन कर लूंगा, मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा। कहने का मतलब क्या है? अभी तो वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि करिष्ये वचनम तव, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, लेकिन अभी वह खुद ही प्रतिज्ञा ले लेते हैं अपने जीवन के बारे में कि मैं आत्मदाह कर लूंगा अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया। ये होता है जब आपका गुरु पर विश्वास पूर्ण नहीं हो पाता है, जब आपकी भीतर की तैयारी नहीं होती है। इसलिए सज्जनों, ये कहने का मार्ग नहीं है और ये मार्ग सुनने का भी नहीं है। इसका भी हम एक उदाहरण इतिहास से ही उठाते हैं। रामचरितमानस में इस बात की पुष्टि आती है कि सती भगवान शिव से विवाह करती हैं। जिन महादेव का दर्शन पाने के लिए ऋषि मुनि करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करते हैं, उनको माँ सती पति रूप में प्राप्त करती हैं। जिनका चलना, बैठना, बातें करना, हर चीज़ वो भगवान शिव के साथ कर रही हैं। ऐसे ही जब वैष्णी राम कथा को सुनने के लिए महर्षि अगस्त के आश्रम में जाती हैं तो भगवान शिव उनके साथ हैं, वो पूरी राम कथा को सुनती हैं, पूरी लीलाओं को सुनती हैं। लेकिन जैसे ही आश्रम से बाहर आती हैं तो जिस कथा को सुना है उन्होंने, उसी कथा को जब होते हुए देखती हैं, अर्थात भगवान राम को विलाप करते हुए देखती हैं सीता के विरह में, तो समझ नहीं पाती हैं। सुना है लेकिन समझा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो जो देखा, उसको देखने के बाद जो पहला विचार उनके मन में आया, वो विश्वास का नहीं था, वो संशय का था। और जब संशय का विचार आया तो जीवन में गुरु को भी खोया और जीवन को भी खोया। इसलिए सज्जनों, जीवन में यदि विश्वास है तो आपकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है।
प्रतिक्रिया भिन्न होती है तो आपका जीवन भी भिन्न होता है। आप सती के ही उदाहरण से समझ सकते हैं, यदि जीवन में श्री राम को देखकर भगवान शिव के अनुसार यदि उनकी बातों को वो अपने जीवन में अनुसरण करती, जिस प्रकार से वह श्री राम को पूछ रहे थे उसी प्रकार से यदि वह भी पूछती तो शायद विश्वास का पहला विचार आता। विश्वास आता तो प्रतिक्रिया भिन्न होती, प्रतिक्रिया भिन्न होती तो आगे का जीवन भी शायद भिन्न होता। इसीलिए गुरु हमें अलग अलग परिस्थिति में डालते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास की तैयारी हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और ना ही इतिहास में कभी हुआ है कि कोई भी शिष्य सिचुएशंस की तैयारी कर सके। हमें लगे कि हम ये भी एक्सपीरियंस कर लें और वो भी एक्सपीरियंस कर लें और जब हम इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो हम इस मार्ग पर आराम से चल लेंगे। नहीं, एक्सपीरियंसेस के साथ साथ आपको विश्वास की तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन हर बार बदलती है, हर व्यक्ति की, हर जीवन की सिचुएशन अलग होती हैं। इसीलिए हमारा फोकस, हमारा कंसर्न इस पर होना चाहिए कि हमारा हर सिचुएशन में विश्वास बना रहे, क्योंकि ये विश्वास एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसकी लॉ इतनी प्रगाढ़ है कि बड़े से बड़े अंधेरों से भी आपको खींच के ले जा सकती है। विश्वास क्या है? जब आपको गुरु ने कोई विचार कहा हो, कोई वाक्य कहा हो, लेकिन आप अपने वास्तविक जीवन में उस वाक्य से बिल्कुल ऑपोजिट हर चीज़ होते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे हर एक परिस्थिति आपको ये सोचने में, आपको ये बिलीव करने में फोर्स कर रही है कि जो गुरु ने कहा है वो सत्य नहीं होगा, जो गुरु ने कहा है वो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप गुरु के उस वाक्य पे टिके रहते हैं, उसको दोहराते रहते हैं, यही विश्वास है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको गुरुदेव ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बड़े बड़े भोज का, बड़े बड़े लंगरों का आयोजन करोगे, तुम्हारे माध्यम से करोड़ों लोगों की भूख शांत होगी। लेकिन वास्तविकता क्या है उसके जीवन की? उसके जीवन की वास्तविकता यह है कि उसको खुद चार दिन में एक रोटी नसीब होती है। वो चार चार दिन तक रोटी के लिए तरसता है। अब उस भूख में रहते हुए, उस भूख से तड़पते हुए उसका जो दिन है, उस दिन के हर एक क्षण में यदि वह ये याद रखे कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं करोड़ों लोगों की भूख का शमन करूंगा ही करूंगा क्योंकि मेरे गुरुदेव ने ये बात कही है, उसका दिन, उसकी रात केवल इसी विचार से शुरू और ख़त्म हो कि जो गुरु ने कहा है वो एक दिन होगा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, ये ही विश्वास है। इस छोटे से शब्द की कितनी शक्ति है और यह कितना बड़ा एक शस्त्र साबित हो सकता है एक शिष्य के लिए, इसको एक कहानी से समझते हैं। बीरबल और अकबर की कहानी। कहते हैं अकबर एक बार अपने राज्य में मुनादी पिटवाते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं कि एक अमुख नदी में, जिसका पानी बहुत ठंडा था और सर्दी का समय भी था, उन्होंने कहा कि जो पूरी रात उस नदी में खड़ा रहेगा उसको एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कोई आगे नहीं आता क्योंकि वहाँ पे खड़े होने का मतलब है मृत्यु को आमंत्रण देना। लेकिन एक व्यक्ति सामने आता है, क्योंकि वह बहुत गरीब था, उसको पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, वो सामने आता और कहता है राजन मैं स्वीकार करता हूँ। पूरी रात वो खड़ा रहता है। जब सुबह होती है और वह राज दरबार में अपने इनाम को लेने के लिए पहुंचता है तो अकबर कहते हैं कि इनाम को देने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कौन सा प्रश्न? कि यह कार्य बहुत ही मुश्किल है, तुम किस तरह से पूरी रात इतने शीत जल में खड़े रहे, ऊपर से इतनी सर्दी थी, तुमने कैसे इसको सहा? तब वह व्यक्ति कहता है राजन आपके दरबार में, आपके महल में दूर आले में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था, मैंने बस अपनी आँख उस दिए पे रखी और जब उस दिए पे रखी तो पता नहीं चला कि कैसे पूरी रात बीत गई और मुझे ठंड का एहसास नहीं हुआ, पानी की ठंड का भी नहीं और मौसम की ठंड का भी नहीं। जैसे ही अकबर ये बात सुनते हैं उनको लगता है कि ये बात तो ठीक नहीं है और वह कहते हैं कि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस दिए से कहीं ना कहीं ऊष्मा प्राप्त हो रही थी, यह बात ठीक नहीं है, इसीलिए आपको मैं कोई भी इनाम नहीं दूंगा।
वह बड़ा मायूस हो जाता है। मायूस जब हो जाता है तो वह राज्य से चला जाता है, राज दरबार से चला जाता है। एक दिन उसका मिलन बीरबल से होता है और वो बीरबल को सारी कहानी सुनाते हैं। बीरबल राजा के पास आते हैं और कहते हैं, राजन, मेरा बड़े दिनों से ये मन है कि मैं आपको अपने हाथ से बना हुआ भोजन खिलाऊं, लेकिन आपके पास इतने शाही रसोइये हैं कि कभी मुझे ये मौका ही नहीं मिला। यदि आपकी आज्ञा हो तो कल क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सुबह का नाश्ता मैं आपको कराऊं? अकबर बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं, हाँ हाँ बीरबल, क्यों नहीं। और वह उसी समय अपने सभी रसोइयों को यह बात कह देते हैं कि कल हमारे लिए कोई भोजन नहीं बनेगा। सुबह होती है, अकबर अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं, इंतजार करते हुए कि भोजन अब आएगा और तब आएगा। भोजन है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। अकबर की जो भूख है वो बढ़ती चली जा रही है और कुछ घंटों बाद अकबर उठकर बीरबल के पास ही चले जाते हैं देखने के लिए कि बीरबल भोजन बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बीरबल ने ऊपर एक हांडी टांगी हुई है और उसके बहुत नीचे ज़मीन पर एक आग को बिछाया हुआ है, लकड़ियों को लगाया हुआ है जिसमें से आग जल रही है। बीरबल को जब ऐसा करते हुए देखते हैं तो अकबर को बहुत हंसी आती है और वो कहते हैं, बीरबल, ये कैसी बात है, ये कैसी नादानी है, तुम्हें लगता है कि इतनी दूर दूर आग होने पर ये खिचड़ी बन पाएगी? तो बीरबल एक बात कहते हैं, वो कहते हैं, राजन, जब दूर रखे आले के एक दिए से एक व्यक्ति लौ लेकर, ऊष्मा लेकर ठंडे पानी में रात भर खड़ा हो सकता है, यदि उससे उसको ऊष्मा मिल सकती है तो मेरी खिचड़ी तो फिर भी बहुत आग के पास है। मुझे पक्का यकीन है कि ये बन ही जाएगी। अकबर को सारी बात समझ में आ जाती है और वह उस व्यक्ति को बुलाकर उसके इनाम को दे देते हैं। कहानी बड़ी बड़ी साधारण है और हमने बहुत बार सुनी भी होगी, लेकिन इसमें सीख बहुत गहरी है। सीख क्या है कि जिस प्रकार से वो टिमटिमाता हुआ छोटा सा दिया है, उस व्यक्ति ने अपनी नज़र उस छोटे से दिए पर रखी, उसकी लौ पर रखी, तो उसने सुबह भी देखी, उसने इनाम भी प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार से सजनों, यदि हम अपनी दृष्टि गुरु के उस एक कहे हुए वाक्य पर रखते हैं तो हमारे इस रात की सुबह भी होगी, हमें पारितोषिक भी मिलेगा, हमें गुरु की प्रसन्नता भी मिलेगी, हमें गुरु का प्रेम भी अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए अंत में बस हम यही कहना चाहते हैं कि विश्वास किया जाता है, विश्वास पाला जाता है, विश्वास को पोषित किया जाता है। आप जितना गुरु के स्वरूप को देखते हैं, आप जितना गुरु की कही हुई बातों को खुद से कहते हैं, दूसरों से नहीं, खुद से कहते हैं, सुबह शाम जितना गुरु की कही हुई बातों को दोहराते हैं, उतना ही संबल आपको मिलता है और उतना ही विश्वास आपका इस मार्ग पर और गुरु पर बनता है। इसीलिए अंत में बस यही प्रार्थना महाराज जी से करना चाहेंगे कि महाराज जी, जिस विश्वास का आधार लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े भक्त आपके इस मार्ग को पूर्ण कर गए, हमारा भी विश्वास ऐसा ही हो, हम भी अपने जीवन में हर एक वो कार्य कर सकें जिससे हमारा विश्वास आपके चरणों में हर दिन के साथ बढ़ता चला जाए। ऐसी ही प्रार्थना करते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। बोलिए स्यावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।